Hello, my dear friends and students. My name is Ashwini Seni, and I am your English teacher. One question is frequently asked from me, sir. How to remove hesitation from English communication? Sir, when we start speaking, we don't get the ideas. We don't get the right words. We don't get the grammar right. I don't know what's happening. Though I am good in grammar, though I am good in vocabulary, but still I face problem in fluent communication.

कि पहले वो ये सोचें कि जो लैंग्वेज उन्हें आती है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी आती है या पंजाबी आती है या गुजराती आती है तो वो कैसे आ गई क्या हमने इस लैंग्वेज की ग्रामर सीखी थी क्या हमने इन लैंग्वेज की वकीबलरी सीखी थी क्या कोई कोचिंग ली थी कहीं से ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके बावजूद भी ये लैंग्वेज हमें बड़ी अच्छे से आती हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्रामर सीखना या वैबलरी पे काम करना ज़रूरी नहीं है अगर आपको लैंग्वेज डेवलप करनी है अगर आपको लैंग्वेज कम्युनिकेशन डेवलप करना है तो जब आप इंग्लिश की वकैब पे काम करते हैं ग्रामर पे काम करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं आप कोई गलती कर रहे हैं आप कोई ज़रूरी चीज़ मिस कर रहे हैं जी हाँ ऐसा ही है आप बड़ी अहम चीज़ मिस कर रहे हैं और वो है अपने कानों को इंग्लिश सुनवाना जी हाँ हमें अगर हिंदी पंजाबी या गुजराती लैंग्वेज आती है तो वो अपने माहौल से आती है जस्ट बिकॉज़ कि हमारे कान बचपन से उस लैंग्वेज को सुनते हैं और एक्यूरेसी के साथ सुनते हैं जी हाँ अगल बगल में जो हमारे लोग होते हैं वो एक्यूरेटली उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसी एक्यूरेसी को हम धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेते हैं वही हमारा स्किल बन जाता है अगर हमारे अगल बगल में गलत हिंदी बोली जाती है गलत पंजाबी बोली जाती तो हमें गलत ही आ जाती लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इस वक्त अगर आप अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा ही आपको करना पड़ेगा अपने कानों को आपको अच्छी इंग्लिश सुनवानी पड़ेगी अच्छी यानी कि जो अच्छे इंग्लिश कम्युनिकेटर्स हैं जो एफर्टलेसली बड़ी आसानी से बड़ी सरलता से इंग्लिश को बोल पाते हैं बड़ी आसानी से वो इंग्लिश की ग्रामेटिकल रेंज यूज़ कर पाते हैं या वकैब रेंज यूज़ कर पाते हैं जस्ट बिकॉज कि वो उनके सब कॉन्शियस मेमोरी में बैठ चुकी है लैंग्वेज वो एक उनकी आदत बन चुकी है जो कि अभी आपकी आदत नहीं बनी है लेकिन अगर आदत बनाना है तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना होगा इससे पहले कि मैं आगे अपनी इस सलाह को थोड़ा और डिटेल में समझाऊँ आप ये वीडियो फुटेज देखें hello <laughs> how are you all good <laughs> congratulations to all the winners super super proud i'm nobody to tell this but uh, thank you so much for all your hard work and i'm so glad to be here thank you so much for all of you inviting me thank you means a lot um, so i had one speech prepared for the gathering but i don't know if um, somewhere someone had told me you have to tell your um, you know life story any so i don't think my life story is good enough for this gathering so what i'm going to do is um, it's called she empowerment where do i start okay so generally um, i've been called you know the smiling queen <laughs> or something they say out there but um, is it too loud should i is it fine okay okay so yeah like i was saying i i've always been called the smiling queen and of, yes of course i always 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 keep smiling for all the love i get for all the appreciation i get from all of you who watch my films Um, but you know, one of the other reasons why I smile is all of us. I'm pretty sure that all the girls here smile. अभी जो आप मोनोलॉग सुन रहे थे मोनोलॉग जब एक व्यक्ति अपनी बात कह रहा होता है वो जो मोनोलॉग सुन रहे थे वो सुन रहे थे इंग्लिश स्पीचेस करके एक चैनल है यूट्यूब पर काफ़ी फेमस चैनल है जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ चाहे वो पॉलिटिशियंस हों या सिनेमा जगत की हस्तियाँ हों या स्पोर्ट्स पर्सन हों या आंट्रपन्योर्स हों तो उनके मोनोलॉग्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं और नीचे इंग्लिश में बड़े बड़े सब भी साथ में होते हैं तो जो बात अभी आप सुन रहे थे वो सेलिब्रिटी हैं रश्मिका मंडाना जो कि साउथ इंडिया की काफ़ी फेमस अभिनेत्री हैं एक्ट्रेस हैं और बड़ी साधारण तरीके से वो इंग्लिश को बोल पा रहे थे बड़े आसानी से बोल पा रहे थे जस्ट बिकॉज़ कि उनकी अपब्रिंगिंग जिस तरह के माहौल में हुई है वहाँ इंग्लिश का लेवल काफ़ी अच्छा रहा होगा तो बड़ा ज़रूरी है कि आप इस तरह से अपने आप को इनपुट दें इस तरह के सेलिब्रिटीज़ की इंग्लिश पहले जो इंडियंस हैं उनकी इंग्लिश सुने समझें ताकि एक्सेंट वाला जो बैरियर है वो बीच में ना आए एक बार अगर वो इंग्लिश आपको समझ में आने लगी उस तरह के वर्ड्स और उस तरह का उच्चारण आप कैच करेंगे और उसी तरह से आप बोलने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके जो आ, नेटिव यूज़र्स होते हैं इंग्लिश के यानी कि जो इंग्लिश पीपल होते हैं आप उनकी भी इंग्लिश समझने लगेंगे लेकिन अभी मैं वो सलाह नहीं दूंगा अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले जो इंडियंस हैं उनकी इंग्लिश को सुनें और एक रेगुलर अपना रूटीन बना लें कि रोज में मुझे कोई भी एक ऑडियो दस मिनट का पंद्रह मिनट का इस चैनल से या इस तरह के और भी चैनल्स हैं जो सब के साथ इस तरह के मोनोलॉग्स को प्रेजेंट करते हैं आप रेगुलर सुने और प्रैक्टिस करें बोल के देखें जो आप सुनते हैं उसे समझें और जो आप समझते हैं उसे अपने आप से या अपने फ्रेंड्स के साथ आप बोल के देखें उससे आपका जो इंग्लिश कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने का सफ़र है वो जल्दी तय हो पाएगा आप तेज़ी से अपने कम्युनिकेशन को एक अच्छी दिशा दशा में ले जा सकते हैं अदरवाइज़ अगर आप थ्योरी करते रहेंगे सिर्फ ग्रामर वकेबलरी पे वैसे ही सीधा लगे रहेंगे और कहीं से कुछ क्रैम करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी आपका एक्सप्रेशन नहीं बन पाएगा आपका उससे उच्चारण इंप्रूव नहीं हो पाएगा प्रोनंसिएशन इंप्रूव नहीं हो पाएगा तो सबसे बढ़िया अप्रोच है, है कि आप अच्छे कम्युनिकेटर्स को कम्युनिकेट करते हुए सुने जिस तरह से हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज हमारे पेरेंट्स हमारे अगल बगल के लोगों को बोलते हुए सुनने से आ गई थी उसी तरह से इस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज भी ऐसे ही आपको आएगी तो इसे अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा ज़रूर बनाएं और उम्मीद करता हूं कि ये सलाह आप ज़रूर मानेंगे जो क्योंकि जो इस चैनल पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जस्ट बिकॉज के उन्हें लगता है कि मैं अच्छी सलाह उनको देता हूं और इसीलिए वो रेगुलरली इन वीडियोस को देखते हैं जो नए हैं इस चैनल पे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें लाइक करें ताकि आगे के मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं या इंग्लिश सीखने की जो सलाह मैं आपको रेगुलर देता हूँ वो आप एक्सेस कर पाएँ और जो मेरे फिज़िकल स्टूडेंट्स हम मेरी क्लास में पढ़ते हैं उन्हें भी मैं इसी मैथड से इंग्लिश इम्प्रूव करने की सलाह देता हूँ और उसके काफ़ी मैजिकल रिजल्ट्स भी मुझे देखने को मिलते हैं काफ़ी तेज़ी से बच्चे अपना स्कोर इम्प्रूव कर पाते हैं चाहे वो आइल्स का हो या पी का स्कोर हो तो आप भी कोशिश करें आज से ही इस एक्टिविटी को करना शुरू करें मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है इंग्लिश स्पीचेस करके चैनल है यूट्यूब पे और बहुत सारी वहाँ पे स्पीचेस अवेलेबल हैं आप सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा थोड़ा करके कोई स्पीचेस रेगुलर रूटीन में देखना शुरू करें और धीरे धीरे करके आप भी अच्छे इंग्लिश कम्युनिकेटर बन जाएंगे सीखते रहें खुश रहें आबाद रहें